अब हम बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉन्डिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। यूजली क्या होता है कि ओ लेवल्स में बच्चों को बताया जाता है कि बॉन्डिंग की तीन टाइप्स हैं, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि बॉन्डिंग की फोर टाइप्स हैं। और वो फोर टाइप्स कौन सी हैं देखिएगा। पहली है आयोनिक बॉन्डिंग। यू ऑलरेडी नो दिस कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद कोवेलेंट उसके बाद मेटालिक बॉन्डिंग, उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बहुत से टीचर्स जो होते हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बॉन्डिंग नहीं कंसीडर करते, एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं कंसीडर करते, लेकिन मैं करता हूँ, तो मैं ये करवाता आता हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम कि बॉन्डिंग जो है वो है क्या। हम कहते हैं कि बॉन्डिंग है क्या, तो बॉन्डिंग क्या है? आपको पता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, ठीक है। ये बॉन्डिंग की बेसिक डेफिनेशन है। और फिर हम जब बात कर रहे हैं आयोनिक की, तो हमें ये भी पता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो है ये ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के दरमियान है। कोवेलेंट जो है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है। और मेटालिक का भी आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज डीलोकलाइज और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको ये भी पता है। अब हम आके आते हैं, ये आपने बॉन्डिंग की बेसिक डेफिनेशन लिख दी कि इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद आपने आयोनिक बॉन्डिंग को की डेफिनेशन भी आप देख सकती हैं, कोवेलेंट की भी देख सकती हैं, मेटालिक की भी देख सकते हैं। अच्छा जी, और ये आप देख सकते हैं कि एक आपकी मैंने आपकी नज़र एक टेबल की है। इस टेबल से आपने कुछ चीज़ें बतानी है। पहले कॉलम में आपने बताना है ए है, बी है, सी है। ए क्या है? ये आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है या मेटालिक बॉन्डिंग करना है, पहले आपने ये बताना है। फिर आपने बताना है, फिर आपने लिखना है कि जो बी है वो इज इक्वल टू ई है, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है वो सॉरी मॉलिक्यूल भी है। और अगर जो चीज मॉलिक्यूल है वो बताना है कि सिंपल मॉलिक्यूल है या मैक्रो मॉलिक्यूल है। और अगर वो सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है तो वो जॉइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आपको बताना है डी इज इक्वल्स टू एफ, तो अगर वो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है बहुत ही गंद माज की है, कि अगर वो एलिमेंट है तो ये बताना है कि ये कंपाउंड है इसमें से। और फिर जे जे सब्सटेंस है। और फिर ए इज इक्वल्स टू के, जो आयोनिक बॉन्डिंग आ रहा है, आयोनिक बॉन्ड्स के फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, ये भी बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो हमें पता है कि Cl2 जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। Fe जो है ये मेटालिक बॉन्ड है, मेटल है। CO2 कोवेलेंट बॉन्ड, SiO2 कोवेलेंट बॉन्ड, NH3 कोवेलेंट बॉन्ड, मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयोनिक बॉन्डिंग, FeCl3 आयोनिक है, NaCl भी आयोनिक है, कॉपर ऑक्साइड भी आयोनिक है, SA8 कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपने इधर लिखना है बी इज इक्वल टू ई, जो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल भी है, तो ये ई ई ई ई ई लिखने और इधर भी ई लिखने। अब आपने बताना है जो ई है वो जी है या एच है, सिंपल मॉलिक्यूल है ये, तो ये सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। उसके बाद CO2 भी सिंपल है, SiO2 ला, SiO2 जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। NH3 भी सिंपल है, सिंपल है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, उसके बाद SA8 जो है
उसके बाद SH जो है ये क्या है, ये भी सिंपल है सिंपल। और कार्बन जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट आइसोटोप होते हैं। अब जो चीज इधर जी नहीं है वो आई है, यानी कि एच सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो जायंट स्ट्रक्चर भी जो है ना, तो ये आई आपने लगा दी है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आप कहते हो कि ये डी है या एफ है, अब ये एलिमेंट है या कंपाउंड है, ये अब आपने बताना है। तो डी एलिमेंट है और एफ कंपाउंड है, तो Cl2 कंपाउंड, N2 कंपाउंड, ये भी डी है, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, एफ T4 भी डी है, C भी डी है। अब उसके बाद जे इज अ सब्सटेंस, तो सारी चीजें सब्सटेंस हैं, तो जे सारों में आ रहा होगा। ठीक है, जे 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 सारों में। अब ए इज इक्वल टू के, जो आयनिक बॉन्डिंग है वो फॉर्मूला यूनिट है, तो आयनिक बॉन्डिंग कहाँ कहाँ हो रही है, ये आयनिक बॉन्ड है ना, ले लिख दो के, कॉपर ऑक्साइड भी आयनिक है, ए के 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 के। ठीक हो गया, ये टेबल बेसिकली सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए है और उसके अलावा इसकी और कोई एप्लीकेशन नहीं है।